दोस्तों, आपने लास्ट वाले एपिसोड में देखा कि कैसे शिनचैन और फ्रैंकलिन काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके मैजिकल पत्थर को लावा गॉड के छोटे बेटे ने यानी कि जूनियर लावा गॉड ने चोरी कर लिया था। अब वो पूरे शहर में तहलका मचाता है, लोगों को परेशान करता है और इधर ग्रीन गॉड का छोटा बेटा भी पृथ्वी पे आ जाता है। अभी शिनचैन परेशान होकर एक सिंगो वाला हल्क बनाता है जो कि लावा गॉड को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है, उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर देता है और लावा गॉड हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन अभी भी वो जिंदा होता है। इधर जूनियर लावा गॉड ने वो मैजिकल पत्थर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर छुपा दिया था और वो वहां से चला जाता है। इधर जूनियर ग्रीन गॉड अपने पापा से पूछता है, कोई काम है तो बताओ। उसके पापा बोलते हैं कि जूनियर लावा गॉड से वो मैजिकल पत्थर मांगो, लेकिन इधर जूनियर लावा गॉड एक्टिंग करता है, पत्थर नहीं है, पत्थर नहीं है। उसके बाद वहां पे सिंगो वाला हल्क पहुंच जाता है, उसके सामने वो जूनियर लावा गॉड गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, लेकिन अभी शिनचैन, फ्रैंकलिन और हल्क और आयरन मैन सभी लोग परेशान होते हैं। तो यहाँ पे फ्रैंकलिन बोलता है कि जल्दी से, अगर वो मैजिकल पत्थर नहीं मिला तो आइस गॉड को कभी जिंदा नहीं कर पाएंगे। तो इधर हमारा आयरन मैन जाता है उस जूनियर ग्रीन गॉड और साथ में उस जूनियर लावा गॉड को ढूंढने ताकि पता चल सके कि वो सभी लोग हैं कहाँ। अब आगे, अरे शिनचैन, हमारा आयरन मैन गया है, मेरे को पूरा भरोसा है कि हमारा आयरन मैन उस जूनियर लावा गॉड से वो मैजिकल पत्थर ढूंढ के ले ही आएगा। अरे फ्रैंकलिन भैया, लेकिन अगर वो जूनियर लावा गॉड मिला ही नहीं तो? अरे हाँ यार, मैं भी यार यही सोच रहा था। अरे भाषा बार खलवे यार, तेरे को कुछ सोचना पड़ेगा, दिमाग लगा, नहीं तो यार हमारा ये जो आइस गॉड है ये कभी भी जिंदा नहीं हो पाएगा। अरे हाँ यार, सही बात है यार, क्योंकि अगर वो मैजिकल पत्थर नहीं मिला तो गाइस हमारा आइस गॉड जिंदा ही नहीं होगा और उस जूनियर लावा गॉड की तो यार हम बैंड बजा देंगे, क्योंकि यार उसी ने हमारे मैजिकल पत्थर को चोरी किया है। अरे भाषा बार खलवे, ये देख रहा है यार, लेकिन जो हमारा सिंगो वाला हल्क था वो कितना ज्यादा पावरफुल था, जिसे हमारे शिनचैन ने ड्रॉ किया था, उसने तो यहाँ पे लाल वाले लावा गॉड की तो बैंड ही बजा दी। अरे हाँ यार, सही बात है, लाल वाला जो लावा गॉड है उसकी तो यार पुंगी बज गई। अरे यार, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग यार यहाँ से जल्दी से निकले। अरे यार, क्या बात कर रहे यार, भाषा बार लगता है ये हल्क पागल हो गया। अरे यार हल्क, अभी तू शांत हो जा, क्योंकि अभी हमारे आयरन मैन को जाके ढूंढने दे उन सभी लोगों को। अरे यार, मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो लोग मिले नहीं और उन लोगों ने अगर वो मैजिकल पत्थर कहीं छुपा दिया तो क्या होगा? अरे यार, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यार हम लोग कभी ना कभी उस मैजिकल पत्थर को जरूर ढूंढ लेंगे। अरे भाषा बार, लेकिन कब ढूंढेंगे, यही तो यार सोचने वाली बात है। अरे यार, मेरे को तो यार कहीं भी वो लोग दिख नहीं रहे यार, कहाँ है वो लोग, कहाँ है? क्योंकि यार मेरे को फ्रैंकलिन ने बोला है जल्द से जल्द जा और उस लावा गॉड के छोटे बेटे यानी कि उस जूनियर लावा गॉड को ढूंढ के लिया, लेकिन मेरे को वो कहीं भी दिख नहीं रहा, इतना बड़ा शहर है और वो जूनियर लावा गॉड कहाँ होगा और स्पेशली उसके पास जो हमारा मैजिकल पत्थर है उसको उसने कहाँ रखा होगा, मेरे को नहीं पता। एक सेकंड, इस वाली बिल्डिंग के ऊपर ये लाइट कैसे चमक रही है? यहाँ पे तो ऐसी कोई भी लाइट कभी भी चमकती नहीं थी। जरा पास जाकर देखता हूँ, एक सेकंड, ये तो वही पत्थर है। अरे ओ माय गॉड, मैं पूरा गेम समझ गया। उस जूनियर लावा गॉड को ये लगा कि अगर वो मैजिकल पत्थर को यहाँ पे छुपा देगा इस दुनिया की सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग के ऊपर तो हमें पता चल ही नहीं पाएगा। ओ माय गॉड, वो भूल गया कि यहाँ पे कोई एक बंदा है जो कि आसमान में उड़ सकता है, यानी कि आयरन मैन। मेरे पास तो यार खतरनाक उड़ने वाली पावर्स है, अब मैं उसकी पुंगी बजा दूंगा। अब तो हमें मैजिकल पत्थर मिल गया। ओ माय गॉड, अब मैं फटाफट से फोन करता हूँ हमारे फ्रैंकलिन को और बता देता हूँ कि अब उन लोगों को करना क्या है। चलो गाइस, उनको यहीं पे बुला लेता हूँ, ये बड़ा ही अच्छा आइडिया होगा, एक काम करता हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? फोन करने से पहले ये सब क्या होने लग गया? बारिश आने लग गई, मीटियोर की शावर होने लग गई। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, मेरे ख्याल से ये लावा गॉड ने ही किया होगा। गाइस, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, यार मेरे को तो बड़ा ही डर लग रहा है यार, यहाँ पे खतरनाक तरीके से बारिश हो रही है, थंडर हो रहा है और खतरनाक तरीके से यहाँ पे बिजली कड़क रही है, मीटियोर वगैरह भी गिर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज तो यार सबकी बैंड बजेगी, आज मैं ये मैजिकल पत्थर अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। किसी को पता भी नहीं चला कि ये मैजिकल पत्थर मेरे को मिल चुका है उस जूनियर लावा गॉड की, तो आज बैंड बजने वाली है। चलो अब यहाँ से निकलता हूँ फटाफट से, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं फोन कर लूं और जल्दी से इन लोगों को बुला लूं। एक सेकंड, ये लावा गॉड का बच्चा तो यार बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि इसने फिर से मौसम चेंज कर दिया, एकदम से ये बारिश का मौसम करता है, मीटियोर वाला मौसम करता है और फिर से एकदम से मौसम को साफ कर देता है। कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, अभी सबकी बैंड बजेगी गाइस, आज तो हम सबका काम तमाम कर देंगे। अब एक काम करता हूँ, फटाफट से इधर जाके देखता हूँ। अरे कुछ सिग्नल मिल रहा है यार, इधर कुछ ना कुछ हलचल चल रही है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, देखते हैं। अरे इधर तो कुछ भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इस पुल के नीचे से निकल लेते हैं। ओ माय गॉड, आज तो बहुत मजा आ रहा है। अरे यार, मेरे को भूलना नहीं चाहिए कि मेरे को यार इंपॉर्टेंट काम करना है, क्योंकि फ्रैंकलिन, शिनचैन, चॉप और हल्क जो है काफी परेशान हो रहे होंगे कि आखिर जूनियर लावा गॉड, जूनियर ग्रीन गॉड और साथ में वो सिंगो वाला हल्क गए कहां। एक सेकंड, ये तो यही लोग है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। थोड़ा सा यार पास जाके देखूं, एक सेकंड, यहाँ पे छुप के सुनना पड़ेगा यार, थोड़ा सा यहाँ पे छुप के सुनने की कोशिश करते हैं यार, ये लोग क्या बात कर रहे हैं। अरे जल्दी से दे दे वो मैजिकल पत्थर। है मेरे पास है ही नहीं, जब मैंने बोला। अरे यार ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। है नहीं है मेरे पास मैजिकल पत्थर। अरे यार यहाँ पे लगता है कि ये लोग मैजिकल पत्थर मांगने की कोशिश कर रहे हैं और वो जूनियर लावा गॉड देने का नाम नहीं ले रहा। अरे जल्दी से दे दे, मैं सिंगो वाला हल्क तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं है ना, जब मैंने बोला। अरे छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं, मेरे पापा या
यानी कि लावा गॉड तुम सबकी बैंड बजा देंगे, खत्म कर देंगे। अरे चिंता मत कर, तेरे पापा यानी कि लावा गॉड का जो हेड होता है, सिर होता है, वो मैंने अलग कर दिया। क्या बोला? रुक जा, अभी मैं तेरी बैंड बजाता हूँ। झूठ बोल रहा है तू। अरे यार शांत हो जाओ यार, यहाँ पे आयरन मैन आ चुका है और मैं पूरी गेम समझ गया। ये खतरनाक जूनियर लावा गॉड तुम लोगों को वो मैजिकल पत्थर नहीं दे रहा ना? अरे हाँ बिल्कुल सही बोला तूने, ये दे ही नहीं रहा, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे यार शांत रहे यार, ये तो गायब भी हो जाते। ओ माय गॉड, अरे हाँ इनमें गायब होने की भी शक्ति है, लेकिन ये लोग यार मेरे सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी। क्या बोला? मैं बहुत खतरनाक जूनियर लावा गॉड, सबकी बैंड बजा सकता हूँ एक ही सेकंड में। अरे शांत हो जा, मैं समझ गया यार, ये अगर वो मैजिकल पत्थर नहीं देना चाहता तो कोई बात नहीं। अरे नहीं, आज हम इससे मैजिकल पत्थर लेके रहेंगे। अरे यार चिंता मत कर यार, सिंगो वाले हल्क अगर ये देना नहीं चाह रहा था यार, कोई बात नहीं, इसकी मर्जी। अरे भाई कोई बात नहीं। अरे बात तू तो बड़ी जल्दी मान गया। अरे क्या ही करूं यार, मेरा दिल बहुत बड़ा है, अगर तू देना ही नहीं चाहता वो मैजिकल पत्थर तो कोई बात नहीं। यही तो मैं चाहता था, अब तुम लोगों को कभी भी वो मैजिकल पत्थर नहीं मिलेगा। अरे क्या बोला? हम ढूंढ लेंगे, चिंता मत कर। ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि वो मेरे पास है ही नहीं। अरे चिंता मत कर। अरे मैं तो कहता हूँ कि फटाफट से इस जूनियर लावा गॉड को खत्म कर दिया जाए। अरे यार ग्रीन गॉड यार तू रहने दे यार, इसे खत्म करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कहता हूँ सिंगो वाले हल्क इसे खत्म कर दे। अरे सही बात है, मैं इसे खत्म कर दूंगा। अरे उससे पहले मैं गायब हो जाऊंगा। अरे यार उससे पहले कि तू गायब हो मैं ही तेरे को खत्म कर दूंगा। अरे हम दोनों में शक्तियां हैं, जूनियर लावा गॉड और जूनियर ग्रीन गॉड, गायब हो सकते हैं तो मैं कभी भी तुम्हारी आंखों के सामने गायब हो जाऊंगा। अरे चिंता मत कर, तेरे को गायब होने की जरूरत नहीं है, मैं उससे पहले ही तेरे को छोड़ दूंगा, मतलब जाने दूंगा। जाने क्या देगा, उससे पहले मैं गायब हो गया। अरे यार ये क्या हुआ? अरे देखा मैंने बोला था ना कि ये गायब हो जाएगा। अरे सिंगो वाले हल्क कोई बात नहीं यार, ये गायब हुआ है तो इसे होने दे। अरे लेकिन तू ऐसे क्यों बोल रहा है आयरन मैन? वो तो हमारा मैजिकल पत्थर चोरी करके भागा हुआ था, अब तो वो हमेशा के लिए गायब हो गया। अरे यार रुक जा, मैं तुम लोगों को आराम से समझाता हूँ, बिल्कुल पास में उड़ के आता हूँ, तुम लोगों को बताता हूँ कि यार कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं यार तुम लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि वो जो मैजिकल पत्थर था ना, वो मैजिकल पत्थर मेरे को मिल चुका है। अरे अरे क्या बोल रहा है, मैजिकल पत्थर तेरे को मिल गया? अरे हाँ यार शांति से सुन, मैजिकल पत्थर जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग के सबसे ऊपर है। अरे क्या बोल रहा, तू सच बोल रहा? अरे हाँ यार मैं सच क्यों नहीं बोलूंगा, मैं जब फ्लाई कर रहा था पूरे शहर के ऊपर से तो मैंने देखा, तो मैंने यार उस मैजिकल पत्थर को देख लिया। चलो यार मैं जाता हूँ फटाफट से, तुम लोग यहीं पे रहना, मैं एक काम करता हूँ फटाफट से कॉल कर लेता हूँ यार फ्रैंकलिन को और बता देता हूँ कि हमें वो मैजिकल पत्थर मिल चुका है। अरे यार फ्रैंकलिन। अरे हाँ भाई बोल। अरे यार हमें वो मैजिकल पत्थर मिल चुका है। अरे क्या बात कर रहा है यार, मैजिकल पत्थर मिल गया? अरे हाँ यार मैजिकल पत्थर दुनिया की सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग के ऊपर रखा है। अरे क्या ही बात कर रहा है, ऊपर रखा है, इसका मतलब वो लावा गॉड ने ऊपर रख दिया था? अरे हाँ यार बिल्कुल सही बात है, तो तुम लोग फटाफट से यार किसी कार का इंतजाम करो और पहुंच जाओ दुनिया की सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग के ऊपर, मैं यहीं पे तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ। अरे ठीक है यार हम लोग पहुंचेंगे थोड़ी देर में। अरे वाह यार मजा आ गया, ओ माय गॉड ये मैजिकल पत्थर अभी भी यहाँ पे सुरक्षित है। अब एक काम करता हूँ यार, थोड़ा सा यार ट्राई करता हूँ इसको फोड़ने की, कहीं यार ये नकली वाला पत्थर तो नहीं है, क्योंकि असली वाला पत्थर कभी भी फटेगा नहीं। ये मैंने लेजर छोड़ा, ओ माय गॉड इसे तो यार कुछ भी नहीं हो रहा, इसका मतलब ये रियल मैजिकल पत्थर है जो कि हमारे आइस गॉड को जिंदा करेगा। और उसके बाद यार अगर एक बार भी आइस गॉड हमारा जिंदा हो जाता है, उसके बाद तो यार इस दुनिया से जितने भी गंदे टाइटंस हैं और खतरनाक बुरे टाइटंस हैं वो उनकी पुंगी बजा देगा, उनको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा और फिर से हमेशा हमेशा के लिए हमारे शहर में सुख और शांति आ जाएगी, मजा ही आ जाएगा। चलो अब एक काम करते हैं, वेट करता हूँ फ्रैंकलिन और बाकी जो उसकी पलटन है वो लोग यहाँ पे पहुंचते ही होंगे थोड़ी देर में। अरे फ्रैंकलिन भैया यार किसका कॉल आया था? अरे यार मेरे को यार कॉल आया था उसका, आयरन मैन का, वो कह रहा है यार कि उसको वो मैजिकल पत्थर मिल गया। अरे क्या बोल रहा, मैजिकल पत्थर मिल गया? अरे भाषा मारा कलवे, तू झूठ तो नहीं बोल रहा? अरे यार मैं झूठ क्यों बोलूंगा, क्योंकि यार वो मैजिकल पत्थर जो है वो कह रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग के ऊपर है, तो इसका मतलब हम लोग अपने आइस गॉड को जिंदा कर पाएंगे। अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो यार बहुत ही ज्यादा तगड़ी बात है यार, अगर ऐसा हुआ है तो एक काम करते हैं फटाफट से चलते हैं और उस मैजिकल पत्थर को ले लेते हैं। अरे भाषा मारा कलवे, उस मैजिकल पत्थर को यार जल्दी लेके आ जाते हैं, इससे पहले यार कोई और उसे चोरी कर ले। अरे हाँ यार एक काम करता हूँ, मैं जाकर इधर देखता हूँ कि मेरे को कोई व्हीकल वगैरह मिलती है, अगर मिल जाती है तो तुम लोगों को बुला लूंगा। इधर एक सेकंड, यहाँ पे आसपास में तो यार कोई भी व्हीकल नहीं दिख रही, लेकिन गाइस मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हम अपने आइस गॉड को जिंदा कर पाएंगे। ओ माय गॉड एक सेकंड, यहाँ पे एक गाड़ी तो दिख रही है मेरे को, लेकिन यहाँ पे कुछ वर्कर्स वगैरह भी दिख रहे हैं। एक काम करता हूँ यहाँ पे छुप के देखता हूँ, एक सेकंड यहाँ पे तो ये गाड़ी है, ओ माय गॉड ये तो बहुत ही तगड़ी गाड़ी लग रही है। इस साइड से छुप के देखता हूँ, इस साइड तो कोई भी नहीं है। चलो एक काम करता हूँ, इस साइड से जाके इन लोगों को यार बहलाता हूँ, फुसलाता हूँ और उसके बाद देखना मैं इस गाड़ी पे बिल्कुल कब्जा करने वाला हूँ और इस गाड़ी को यहाँ से लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगा। ओ माय गॉड ये गाड़ी तो बहुत तगड़ी लग रही है, ओ माय गॉड आज तो मजा आएगा। अरे अरे ये तो बंदा यहीं पे देख रहा है। अरे कौन है उधर? अरे 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 लगता है इसने मेरे को देख लिया। अरे कौन है जल्दी बता। अरे 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 नहीं 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 अब तो यार ये इधर ही आ जाएगा, एक काम करता हूँ यार एक्टिंग करना पड़ेगा। अरे कौन है तू, कौन है?
भाई, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? पता है ना यहाँ पे आना मना है। अरे अरे मैं एक्चुअली वो मैं किसी काम से आया था। अरे कौन सा काम? अरे वो मेरा कोई यहाँ पे फ्रेंड है जो कि यार मैकेनिक है। अरे मैकेनिक तो मेरा फ्रेंड है, वो गाड़ी ठीक कर रहा है, ये पानी पे चलने वाली गाड़ी है। अरे क्या बोल रहा, पानी पे चलती है? अरे हाँ, हमें अभी मिलिट्री बेस में इसे लेके जाना है। अरे मैं एक्चुअली योगा करने आया था, देखो देखो मैं योगा कर रहा हूँ ऐसे। अरे मैं सब समझ गया, तू कुछ ना कुछ गड़बड़ करने आया यहाँ पे। अरे मैं एक्चुअली सही में योगा करने आया था, क्योंकि यार मेरे को तुम्हारे बॉस ने बताया था कि वो तुम्हें याद कर रहे हैं। अरे याद कर रहे हैं? हाँ यार याद कर रहे हैं उस साइड में। अरे भाई सुन, तू यार अभी वेल्डिंग मत कर, तेरे बॉस ने आज तेरे को छुट्टी दे दी है। अरे क्या बोल रहा, छुट्टी दे दी है? अरे हाँ यार तुम लोगों को उधर बुलाया। अरे छोड़ूंगा नहीं, मेरे को गिराया क्यों तूने? अरे सॉरी, जा यार एक बार अपने बॉस को देख ले, वो उस साइड में वेट कर रहे तेरा। अरे तू है कौन लेकिन? अरे मैंने नया ज्वाइन किया है यार, इस काम को अब मैं संभालूंगा। अरे क्या बोल रहा है, ठीक है अगर तू बोलता है तो मैं जाके देख के आता हूँ उधर। अरे ठीक है चलते हैं यार हम दोनों। ठीक है भाई तू यहीं पे वेट कर, हम दोनों जा रहे हैं। अगर बॉस ने मेरे को बुलाया तो क्या पता प्रमोशन दे दे मेरे को, मजा ही आ जाएगा। आज तो प्रमोशन मिलेगी। अरे वाह यार क्या ही बेवकूफ बना यार, सही में ये दोनों तो घोंचू ही थे। एक बंदा वेल्डिंग कर रहा था, इस गाड़ी को ठीक वीक कर रहा था, और दूसरा बंदा तो यार एक नंबर का फट्टू था, बुद्धू था। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, मेरे को अब ये पानी पे चलने वाली गाड़ी मिल चुकी है गाइस, मेरे को यही तो चाहिए था। ओ माय गॉड, अब एक काम करते गाइस, फटाफट से इसे लेके चलते अपने दोस्तों के पास, उसके बाद तो यार मजा आएगा। यहाँ पे हम लोग यार पानी को भी क्रॉस कर पाएंगे क्योंकि बीच में पानी है, और ये रोड पे तो चलती है, तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया हमें कार मिल चुकी है। तो चलो अब फटाफट से इनके पास चलता हूँ और इन लोगों को सरप्राइज देता हूँ। अरे सुनो 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 सभी लोग सुनो, ये देखो मेरे को कौन सी गाड़ी मिल गई। अरे फ्रैंकलिन भैया ये कैसी गाड़ी है? अरे नीली नीली और इतने लंबे चौड़े पहियों के साथ। अरे तुम लोग ज्यादा सवाल जवाब मत करो, फटाफट से गाड़ी पे बैठो। अरे हम तो बैठ गए यार। अरे मैं भी बैठ गया फ्रैंकलिन भैया। अरे भाषा कलवे अब एक काम कर, फटाफट से भगा ले गाड़ी को। अरे वाह यार तू तो बहुत ही अच्छी गाड़ी लेके आया यार फ्रैंकलिन। अरे थैंक यू यार, मैं हमेशा अच्छी गाड़ी ही लेके आता हूँ। अब एक काम करते फटाफट से निकलते हैं यहाँ से और चलते सीधा आयरन मैन के पास, क्योंकि उसने हमें बुलाया है, क्योंकि वो मैजिकल पत्थर भी तो लाना। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया डूब जाएंगे। अरे चिंता मत करो ये पानी पे चलती है। अरे भाषा कलवे तू तो सही में ग्रेट ही है यार, तूने तो कमाल ही कर दिया, पानी पे चलने वाली गाड़ी लेके आया था। अरे मैं क्या करूं यार, वहाँ पे दो घोंचू लोग थे, उन लोगों को पता नहीं चला कि उसको कोई बेवकूफ बना रहा है और ये गाड़ी उनके हाथों से छिनने वाली है, तो मैंने यार वो गाड़ी उनको बेवकूफ बना के ले लिया। अब हम यहाँ से निकलेंगे और चलेंगे सीधा अपने दोस्त यानी कि आयरन मैन के पास, देखते हैं कि उसने मैजिकल पत्थर को कहाँ सेफ तरीके से रखा है। भाषा बार कल ये ऊंची वाली बिल्डिंग है ना? अरे हाँ यार ऊंची वाली बिल्डिंग ही तो है चौप। अरे भाषा बार लेकिन यहाँ पे क्यों आया? अरे क्योंकि यार वो जो मैजिकल पत्थर है ना इसके भी ऊपर है। अरे भाषा बार चलेंगे यार ऊपर चलेंगे। अरे तुम लोग यार यहीं पे वेट करो। अरे आयरन मैन तू कहाँ पे है? अरे यार इधर आ जा इधर, ये रहा मैजिकल पत्थर। अरे अरे यार ओ माय गॉड ये तो सही में मैजिकल पत्थर ही है। अरे यार मैंने तो बोला ही था कि मेरे को मैजिकल पत्थर मिल चुका है, वो भी इस वाली बिल्डिंग के ऊपर। अरे एक काम करते हैं फटाफट से अब इसे गाड़ी में रखते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अरे हाँ यार बिल्कुल सही बात है, एक गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। अरे ठीक है। अरे वाह यार हम लोगों ने बहुत ही अच्छी गाड़ी का इंतजाम कर लिया। अरे फ्रैंकलिन भैया आप तो सही में ग्रेट हो। भाषा पर वो आयरन मैन कहाँ रह गया? अरे यार वो तो अभी पीछे ही रह गया, वो तो यार जब मर्जी आ जाएगा यार, उसके पास खुद का सूट है। अरे फ्रैंकलिन भैया आप फटाफट से यार इसको लेके निकलते हैं और सीधा चलते हैं यार अपने आइस गॉड के पास। अरे भाषा बार आइस गॉड के पास चल लेके कलवे। अरे नहीं यार अभी हम लोगों को इधर जाना है ना, इधर हमारे ग्रीन गॉड यानी कि ग्रीन छोटा जूनियर गॉड जो है वो भी है, और साथ में यार वो सिंगो वाला हल्क भी तो है। अरे भाषा बार ठीक है यार इनको भी साथ में ले ले। अरे यार मैं तो इन लोगों को दिखाने के लिए लाया था कि फाइनली हम लोगों को ये मैजिकल पत्थर मिल गया। अरे तुम लोग ये देखो यार मैजिकल पत्थर मिल गया। अरे क्या बोल रहा है, मैजिकल पत्थर मिल गया? अरे हाँ यार मैजिकल पत्थर मिल गया, ये देखो यार तू भी क्या याद रखेगा यार सिंगो वाले हल्क। अरे हाँ सही बात है, ये तो वही मैजिकल पत्थर है जो वो हमारे आइस गॉड को जिंदा कर देगा। अरे हाँ यार बिल्कुल सही बोला यार सिंगो वाले हल्क ने। अरे भाषा बार कलवे अब एक काम करते हैं फटाफट से यार इसको लेके चलते हैं। अरे यार हाँ मजा आएगा फ्रैंकलिन भैया। अरे यार लेके तो चलेंगे लेकिन थोड़ा सा यार एंजॉय कर लेता हूँ यार, काफी दिनों बाद बीच पे आया हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी लेके चलो। अरे ग्रीन गॉड, अरे मतलब यार जूनियर ग्रीन गॉड तू कैसा? अरे मैं भी सही हूँ यार, मैं भी सही हूँ, हम तो यार काफी देर से उससे वो मैजिकल पत्थर मांग मांग के परेशान हो गए थे लेकिन उसने दिया ही नहीं। अरे कोई बात नहीं हमें फाइनली वो पत्थर मिल ही गया ना। अरे हाँ यार मजा ही आ गया फ्रैंकलिन भैया। भाषा बार कल यार अब एक काम कर यार, सभी लोग साथ में मिलके चलते हैं यार आइस गॉड को जिंदा करने। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया उससे पहले तुम लोग पीछे तो देखो। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया वो कौन आ गया? वो तो लावा गॉड जूनियर आ गया। अरे नहीं यार जूनियर लावा गॉड? अरे छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को। अरे सिंगो वाले हल्का आज तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। अरे
फ्रैंकलिन भैया आप क्या करें? बार कलवे यार आप करना क्या चाहिए? तुम लोगों के पास मेरी कोई खास चीज पड़ी हुई है? अरे हमारे पास तेरी कोई भी चीज नहीं पड़ी हुई। अरे फ्रैंकलिन भैया ये कौन सी बातें कर रहा है? बार कलवे यार कहीं इसको पता तो नहीं चल गया? अरे यार चिंता मत करो यार, तुम लोग बात मत करो, वो अभी पीछे मुड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं पता। ये लो मैं हो गया ना गायब। अरे फ्रैंकलिन भैया वो कहाँ चला गया? बार इसके पास और हमारे ग्रीन वाले जूनियर गॉड के पास गायब होने की शक्तियां है ना। अरे नहीं यार वो तो गायब हो गया। बार वो कहाँ चला गया, फिर से गायब हो गया? पीछे तो देखो मेरे पास तुम लोगों का मैजिकल पत्थर वापिस आ गया। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया उधर देखो उधर। अरे भसोबर कलवे उधर देख। इन लोगों ने क्या सोचा था, मैजिकल पत्थर वापिस मेरे से चुरा लेंगे, लेकिन मैंने दोबारा से तुम लोगों के पास से वो मैजिकल पत्थर छीन लिया। अब तुम लोग कभी भी इसे वापिस नहीं ले सकते। अरे नहीं वो तो निकल गया फ्रैंकलिन भैया। अरे भसोबर कलवे आप क्या करें? अरे शांत रहो यार, मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा। अब इससे पहले कि वो लोग इस पत्थर का इस्तेमाल करके अपने आइस गॉड को जिंदा करें, मैं ही अपने फादर यानी कि लावा गॉड को जिंदा कर दूंगा, क्योंकि मैंने तो यही सुना था कि उस सिंगो वाले हल्क ने यानी कि उस खतरनाक हल्क ने मेरे फादर के हेड यानी कि सिर को अलग कर दिया है। अरे पापा कहाँ हो, अब मैं आ रहा हूँ आपको जिंदा करने। अब ये मैजिकल पत्थर हमारे काम आएगा, हमारी फैमिली के। अरे फ्रैंकलिन भैया अब क्या करें? अरे यार सही बात है यार, ये तो हमने गड़बड़ कर दिया। तेरे को तो पहले ही बोला था यार, इस मैजिकल पत्थर को सीधा हम लोग आइस गॉड के पास लेके जाते तो ये सब नहीं होता। अरे हाँ यार सही बात है, हमने गलती कर दी। तू यार यहाँ पे क्यों लेके आया फ्रैंकलिन? अरे यार फ्रैंकलिन भैया बुद्धू ही है। अरे यार मेरे को समझ ही नहीं आया, कोई बात नहीं काम करते हैं, मैं फोन कर देता हूँ यार फटाफट से। अरे किसको फोन कर रहे हैं फ्रैंकलिन भैया? भाषा ये यार आयरन मैन को कॉल कर रहा है। अरे हाँ यार आयरन मैन को कॉल करके बताना पड़ेगा ताकि यार वो फटाफट से जाए और जूनियर लावा गॉड को रोक सके, नहीं तो यार वो जूनियर लावा गॉड मेरे ख्याल से उस पत्थर का कुछ गलत इस्तेमाल करेगा। अरे यार मेरे को यार अब ये फिर से फोन करके ये बता रहे कि उस वाले मैजिकल पत्थर को फिर से जूनियर लावा गॉड ने चोरी कर लिया। मेरे को तो यार समझ नहीं आता कि यार मैजिकल पत्थर का ध्यान ये लोग क्यों नहीं देते। अब तो मैं पापा के पास पहुंच गया। अरे कहाँ हो पापा? अरे नहीं ये तो बहुत बुरी हालत कर दी आपकी, मैं छोड़ूंगा नहीं उस सिंगो वाले हल्क को। लेकिन कोई बात नहीं पापा, आज तो मैं आपके लिए ये मैजिकल पत्थर लेके आया हूँ जिससे आप जिंदा हो जाओगे। अरे वाह बेटे वाह, तूने तो कमाल कर दिया, तू मेरा बहुत अच्छा प्यारा बेटा है, आज तूने साबित कर दिया, अब तू एक बहुत बड़ा लावा गॉड बनेगा और सबको खत्म कर देगा, तहलका मचा देगा। अरे पापा मैंने यही सोचा है, इसलिए तो मैं ये मैजिकल पत्थर लाया हूँ। अब एक काम करता हूँ, फटाफट से इसका इस्तेमाल करके आपको जिंदा कर देता हूँ। अरे हाँ बेटे, इसको मेरे माथे के बीच पे लगा। कहाँ लगाना है, पेट पे? अरे नहीं बोला ना माथे के बीच पे। अरे ठीक है पेट पे लगा देता हूँ। अरे तू पागल है क्या, माथे यानी कि हेड के ऊपर लगा? अरे ठीक है पापा, मैं तो थोड़ी मस्ती कर रहा था। अरे मजाक मस्ती नहीं चलती, ये देख उसने मेरा क्या हाल किया है, मेरे को दो हिस्सों में उसने तोड़ दिया है। अरे ठीक है पापा, मैं इसको आपके सिर यानी कि टकले के ऊपर लगा देता हूँ। उसके बाद तो मेरे पापा जिंदा हो जाएंगे। अरे चिंता मत कर, तेरे पापा यानी कि रेड लावा गॉड को मैं खत्म करूंगा, अगर तूने उसको जिंदा करने की कोशिश की तो मैं तेरे को भी खत्म कर दूंगा। है ग्रीन गॉड निकल यहाँ से। आज तो मैं अपने पापा को जिंदा करके ही रहूंगा। अगर मेरी पावर कम ना हुई होती तो मैं तेरे को छोड़ता नहीं जूनियर लावा गॉड। है तू कुछ नहीं कर पाएगा ग्रीन गॉड, अब मैं अपने लावा गॉड पापा को जिंदा कर दूंगा। अरे पापा इसे कहाँ लगाना है? अरे बेटे इसे जल्दी से मेरे सिर के ऊपर लगा दे। अरे ठीक है पापा, मैं इसे फटाफट से लगा देता हूँ। अरे वाह मैंने अपने डैडी को जिंदा करने का सोचा और अब मैं वो करके दिखाऊंगा। अरे बेटे लगा जल्दी लगा। ए पापा लगा दिया मैंने, आपके सिर के बीचों बीच वो मैजिकल पत्थर अब आपको जिंदा कर देगा। अरे हाँ लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रहा जल्दी बता। अरे पापा मेरे को क्या पता, ये पत्थर तो असली है। ये तो काम ही नहीं कर रहा। छोड़ूंगा नहीं यार, ये जिसने भी किया है। लेकिन डैडी ये तो असली पत्थर था ना। अरे लेकिन ये काम नहीं कर रहा, इसकी जादुई शक्तियाँ कहाँ चली गई जल्दी बता। एक सेकंड, ये शायद काम कर रहा है। अरे पापा काम करने लग गया। अरे हाँ लगता तो ऐसा ही है, शायद ये काम कर रहा है, इसके बाद अब मैं जिंदा हो जाऊंगा। देखो ये काम कर रहा है। अरे हे हे हे। ए पापा अब तो हम सबकी बैंड बजा देंगे। अरे चिंता मत कर, मैं ग्रीन गॉड तेरे को जिंदा होने नहीं दूंगा। ए तू कुछ नहीं कर सकता, मैं लावा गॉड जिंदा हो जाऊंगा। अरे यार ये क्या हो रहा है यार, गड़बड़ हो गया। ये लावा गॉड के सिर के ऊपर तो मैजिकल पत्थर डाल दिया इस जूनियर लावा गॉड के बच्चे ने, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। अरे आयरन मैन आ गया। अरे आयरन मैन तू कुछ नहीं कर सकता, अब तू उस पत्थर को वहां से निकाल भी नहीं सकता। अरे छोड़ूंगा नहीं यार, तेरे को मैं जिंदा नहीं होने दूंगा लावा गॉड, ये ले। अरे इन सारी चीजों से कुछ भी नहीं हो सकता, तू चाहे लेजर छोड़ या फिर कुछ भी कर, अब मैं जिंदा होके रहूंगा। अरे यार ये तो सही में बहुत बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गया यार। अरे यार मैं
क्या करूं। अरे ग्रीन गॉड यार, मैं क्या करूं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। अरे चिंता मत कर, हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। अब ये जिंदा तो हो जाएगा, लेकिन हमें किसी तरीके से इसको रोकना पड़ेगा, और ये अब मेरे ख्याल से पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है यार। कोई बात नहीं, हम इनको रोक देंगे, क्योंकि हमेशा बुराई की हार और अच्छाई की जीत होती है। अरे हाँ यार, ये सब तो यार सुना है मैंने भी, लेकिन यार इसे हराएंगे कैसे, मेरे को यार ये समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम लोग यार किसी ना किसी प्लान पे जरूर पहुंचेंगे। और यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा यार, मैं इसके टकले पे बैंड बजा दूंगा। अरे तो जो भी कर ले, अब इस मैजिकल पत्थर को तू कभी नहीं हटा सकता। अरे तेरे करने से कुछ नहीं होगा, मैं जूनियर लावा गॉड, मैं ऑलरेडी वो पत्थर लगा चुका हूँ अपने पापा के सिर के ऊपर। अब तू कुछ नहीं कर सकता आयरन मैन। अरे तेरी इतनी हिम्मत, बस चले तो यार मैं तेरे को यहीं खत्म कर दूं। अरे तो करके दिखाया, भाग क्यों रहे। अरे करूंगा, चिंता मत कर, एक ना एक दिन तुम सब लोगों को मैं खत्म कर दूंगा, बस मेरे पास अभी थोड़ी पावर कम है। तेरे पास कुछ भी पावर नहीं है, चल निकल यहाँ से, हम तेरे और तेरे दोस्तों सबको खत्म कर देंगे। अरे यार ये तो सही में बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत आ गई यार, अब तो ये लावा गॉड का फादर यानी कि जो डैडी है वो भी जिंदा हो जाएगा। कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, अब फटाफट से अपने दोस्तों को बस जाता हूँ, और मेरे को बताना पड़ेगा कि अब ये लावा गॉड का बच्चा जो है वो जिंदा ही होने वाला है। अरे कहो यार तुम लोग, ये रहे। अरे सुनो सभी लोग सुनो, अब तो वो जूनियर लावा गॉड ने अपने फादर यानी कि अपने बड़े वाले लावा गॉड को जिंदा करने के लिए वो मैजिकल पत्थर यूज कर लिया। अरे क्या बोल रहा है, वो मैजिकल पत्थर यूज कर लिया? अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया यार, ये आयरन मैन यार इतनी ज्यादा बैड न्यूज क्यों दे रहा है? अरे यार क्योंकि यही सच्चाई है, इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि ये बहुत ही अब बुरी खबर है, अब वो लावा गॉड जिंदा होने वाला है। भाषा कल अब क्या करेंगे? अरे यार समझ तो यार मेरे को भी नहीं आ रहा यार, कुछ ना कुछ हम लोगों को करना पड़ेगा। अरे अब तुम लोग सोच लो कि यार करना क्या है, क्योंकि यार मेरे ख्याल से अब कुछ भी किया नहीं जा सकता, वो मैजिकल पत्थर उसके सिर से भी नहीं निकल रहा, और ग्रीन गॉड ने बोला है कि अब वो लावा गॉड जिंदा होकर ही रहेगा। अरे यार मेरे को यार थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि यार वो मैजिकल पत्थर हम लोगों ने इस ट्रक के अंदर रखा था, और वो जूनियर लावा गॉड का बच्चा आया और एकदम से वो मैजिकल पत्थर लेके भाग गया। अरे फ्रैंकलिन भैया, हमारा ये जो ग्रीन जूनियर गॉड है ये बस गायब होने के अलावा कुछ और काम करेगा कि नहीं? पता नहीं यार शिनचैन, तू उसी से पूछ ले। अरे यार करूंगा यार, जब मेरी बारी आएगी ना तब मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं ग्रीन जूनियर गॉड बहुत खतरनाक हूं। अरे यार ठीक है यार, कोई बात नहीं गाइस, मैं जा रहा हूं प्लानिंग करने। टाटा बाय।